अंबादास मेवनकर पश्चिम महाराष्ट्र का कार्यकर्ता हूँ और इस हिंदू स्वराज यात्रा का प्रमुख हूँ। यात्रा शुरू हुई है, कहाँ से कहाँ तक जाएगी और क्या मैसेज देना? यह यात्रा 28 नवंबर से दुर्गराज रायगढ़ से शुरू हुई, जहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज जी का राज्याभिषेक 350 साल पूर्व हुआ था। और हम यह यात्रा इसलिए निकाल रहे हैं कि विद्यार्थी परिषद का 75वां साल है और राज्यारोहण का भी 350 साल है। इन दोनों उपलक्ष्यों को जोड़ते हुए हम यह संदेश लेकर यह यात्रा निकली है कि छत्रपति शिवाजी महाराज जी का हिंदू स्वराज पूरे भारतवर्ष के राष्ट्रप्रेमियों के लिए, राष्ट्रभक्तों के लिए यह एक तरह से मार्गदर्शन करने वाला हिंदू स्वराज रहा है। और यह युवाओं में यह भावना हमें और बढ़ानी है और जो अपना इतिहास रहा है, जो अपनी संस्कृति रही है, उसको पुनः एक बार उजागर करना है, ताकि छत्रपति शिवाजी महाराज जी का इतिहास लोगों तक अच्छी तरह पहुँचाया जाए और जन जन तक यह इतिहास पहुँचाने की एक प्रेरणा लेकर हम यह हिंदू स्वराज यात्रा लेकर निकले। आगरा की भूमि छत्रपति शिवाजी महाराज जी को एक सुनहरा अवसर दे चुकी है, जहाँ से छत्रपति शिवाजी महाराज 101 दिन रहकर यहाँ से मुगलों के चंगुल से निकल पड़े थे। और जब यहाँ से छत्रपति शिवाजी महाराज निकल पड़े, उसके बाद ही 6 वर्षों के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदू स्वराज की स्थापना भी की थी। तो एक तरह से यह भूमि छत्रपति शिवाजी महाराज जी को साथ देने वाली भूमि है, एक राष्ट्रभक्तों की भूमि है कि जहाँ से छत्रपति शिवाजी महाराज निकलने में सफल हुए थे। हम यही चाहते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज बस एक महज महाराष्ट्र के या फिर एक मराठा सरदार नहीं थे, वो एक हिंदवी स्वराज की संकल्पना इस भारतवर्ष के लोगों के लिए रखना चाहते थे और उसका यह 350 साल चल रहा है। यहाँ के स्थानीय लोगों से, यहाँ से मंत्रीगण, जो कुछ यहाँ का स्थानिक प्रशासन है, उनसे अनुरोध रहेगा कि पूरे भारतवर्ष को, पूरे विश्व को जो राजा अपनी काम से, अपने राष्ट्रभक्ति से प्रेरणा देता रहा है, उनका स्मारक जल्द से जल्द बन सकता है, तो उसकी कोशिश करनी चाहिए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अपने स्थापना काल से ही भारत और भारतीयता के लिए युवाओं में कैसे जो सो देश के लिए जिन शहीदों ने अपने प्राणों की आहुति दी उनके बारे में स्मरण रहे, तो लगातार कैंपस में और समाज में जन जागरण का काम करते हैं। उसी क्रम में शिवाजी महाराज के हिंदवी स्वराज की स्थापना यानी उनके राज्याभिषेक के 350 वर्ष पूरे होने पे रायगढ़ के किले से जो इस 28 नवंबर को यात्रा चली है, आज 6 दिसंबर को ये यात्रा आगरा के किले पे पहुंची है। आप सबको पता है कि शिवाजी महाराज इस आगरा में, आगरा के किले में औरंगजेब ने उनको अपने छलम भेद से कैद किया था, लेकिन शिवाजी महाराज बड़ी ही चतुराई के साथ यहाँ से निकले और दिल्ली गए, वहाँ से फिर वो रायगढ़ में जाकर के हिंदवी स्वराज की स्थापना की। हम सभी युवाओं के लिए यह गर्व की बात है, पूरा देश आज शिवाजी के नाम से गौरवान्वित है। उसी क्रम में ये यात्रा यहाँ आई है, यहाँ से अभी मथुरा और नोएडा होते हुए कल दिल्ली पहुँचेगी। हम सब इसका यहाँ स्वागत कर रहे हैं।